बेगूसराय में बाइक सवार दो बदमाशों ने एनएच 28 और एनएच 31 पर आधे दर्जन जगह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है, वहीं 10 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हैं। सभी जख्मी व्यक्तियों का शहर के अलग अलग निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि बाइक सवार दो बदमाश एनएच पर घटना को अंजाम दे रहे हैं। पूरे जिले में नाकेबंदी की गई है। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में पुलिस टीम के द्वारा नाकेबंदी कर छापेमारी की जा रही है। पहली घटना तेघरा अनुमंडल क्षेत्र के एनएच 28 पर तीन जगहों पर घटी है, जहाँ बेखौफ बदमाशों ने एक के बाद एक करीब चार घटना को अंजाम दिया। एनएच 28 पर बगराहा डीह बदमाशों की गोलियों का शिकार हुए चंदन कुमार की इस घटना में मौत हो गई है। बाढ़ निवासी टीवीएस क्रेडिट फाइनेंस कंपनी के विशाल सोलंकी को पेट में गोली लगी है, जिसका बेगूसराय के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अन्य लोगों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। चकिया थाना क्षेत्र के मल्हीपुर चौक पर मछली विक्रेता को जहां बदमाशों ने गोली मारी, वहीं दो मछली खरीदारों को भी गोली मार दी है। वहीं विपक्षी दल भाजपा के नेता रजनीश कुमार ने घायलों से मुलाकात की और बिहार सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। कहा, जिले में कानून का राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बदमाशों में कानून का भय खत्म हो गया है। चौक पर ठेला लगाकर आइसक्रीम बेच रहे थे और टांग ऊपर करके बैठे थे ठेला पर, आइसक्रीम के ठेला पर अपना बैठे थे। उधर साया पट 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 घिंचले चल गए, इधर साया था मतलब जीरो माइल की तरफ से। और कहाँ पे आप? अलीपुर चौक। चौक पर अपने इतना मालूम था कि मतलब बाइक से था। बाइक से था? हाँ, बाइक से था। हमको लगा हम गिर गए। आपको गोली लगा? हाँ हाँ। वहाँ पे और भी किन्हीं को गोली लगा? एक लड़का को और लगा था, भाग रहा था, यहाँ पर लगा था। पहचान वगैरह कुछ? नहीं सर। क्या नाम बताया? जीतो पास में। जीत मार। घर? बूढ़ी बंतिया है। थाना? भगवानपुर थाना, तिहाई का है ना। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ पे गोली? पिरौली गैस एजेंसी के सामने। क्या करने गए? हम चाय लाने जा रहे थे, गाड़ी खड़ा करके चाय लाने जा रहे। गाड़ी चलाते? हाँ, गैस। अच्छा, गैस एजेंसी में गाड़ी चलाते? हाँ, चाय लाने जा रहे। ये मोटरसाइकिल से आ रहा था, हम अपना सीधे एक हाथ में गिलास था, एक हाथ में चाय था, जा रहा था, मारा। हम देखे कि आवाज़ किया, तब हम सोचे कि कथी आवाज़ किया, तब देखे गोली मार कर चल दिया, ऐसे खून फेंक रहा था। किधर से आ रहा था? बछवाड़ा तरफ से आ रहा था, डोली के पास। टेगरा तरफ बढ़ा है। अच्छा, क्या बजे की घटना? ये 5:10 में या 5:15 में, यह टाइम। 5:10 में ना। क्या नाम बताया अपने? गौतम कुमार, भगवानपुर थाना। मतलब कौन सा जगह पे ये घटना हुई? थर्मल चौक पर हुई थे, चकिया से आगे थर्मल चौक जो कंपनी है बिजली वाला। कहाँ से आप आ रहे? हमें आ रहे थे कसहा, आए थे अपना परिवार का, जा रहे थे घर। अच्छा, मौका तो हम जा रहे थे घर, जा रहे थे तो पाछे से दो को वो गोली मार रहा, चलते रहे। आप देखे? बड़ा दो लोग थे मोटरसाइकिल से। उठा के कौन लाया? उनको पुलिस ने उठाया। दो लोग थे? हाँ, दो आदमी उठाया पहले, उसका बाद वो पुलिस को दिया। ड्यूटी करते हैं, 5 बजे मेरे को छुट्टी हुआ, घर जाने लगे थर्मल का बीच में। हम सोचे कि टायर आवाज किया, गोली मार के पिछ दबारे आगे निकल गया। मैं हम सोचे कि टायर पंचर हुआ, हम देखे नहीं। किधर से आ रहा था? उधर से चकिया तरफ से आ रहा था। आपको कहाँ पे गोली मारा? थर्मल का बीच में। क्या बजे घटना? 5:30 का। देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कल तक मैं सत्ता में था उनके साथ, जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री, उनको भय लगता है ये कहने में कि मैं जंगल राज का हूं। जिस दिन जो जंगल राज कहेंगे उन्हें उप मुख्यमंत्री सत्ता से हटा देगा। 2-3 दिन पहले उनके नाक के नीचे पटना के थाने में घुस करके अधिकारियों को कालर पकड़ता हो, पूरी भीड़ जुट जाती हो, अपराधियों को छुड़ा लेता हो, मुख्यमंत्री कहते हैं ये जनता राज है, जंगल राज नहीं। तो उनके फॉर्मूला में ये नया जनता राज की परिभाषा हो गया
कि अपराधियों को छुड़ा ले। जब अपराधी बेखौफ हो जाते हैं तो बेगूसराय जैसी घटना घटती है, 30 किलोमीटर तक अपराधी चार थानों से गुजरता हुआ जाता है, बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है, परिभाषा बदल दिए हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री इस पर बयान दे, केवल पुलिस अफसरों की बैठकें ना करें। चार थाने से गुजरा है, 30 किलोमीटर तक गया है, आपके मोबाइल वैन कहां थे? आपके चार थाने के बीच कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था जो कहीं रोक पाता इस अपराधी को? यानी मुख्यमंत्री लाचार है अपराधियों के बीच में, और नई परिभाषा जंगल राज का घिरा बता दिया है, जनता राज। इसलिए मुख्यमंत्री जवाब दें, और जितने लोगों को गोली लगी है, एक तो जान दे दिए हैं, उन्हें कम से कम ये आपके कारण लगा है, उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे, और जिनको गोलियां लगी है उन्हें 50-50 लाख मुआवजा दे। वो कोई अपराधी नहीं था, कोई गरीब लोग थे, एक इंजीनियर था, महिलाएं थी, बेखौफ होकर के इस ढंग से किया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद जवाब दे कि ये कौन सा जनता राज है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा, वही तो पराकाष्ठा हो गई। जो सुनने में आ रहा है कि कोई अपराधी वहाँ NH 31 पर गोधना के पास से लगातार आधारपुर तक गोलियां चलाता रहा, और उसमें शायद 5-6 लोग जख्मी हुए हैं, जानकारी मिली है उसमें एक लोग मर भी गए हैं और बाकी लोग घायल हैं बुरी तरह से। तो ये तो पूरी तरह से अपराध का और अपराधियों का मनोबल बिल्कुल बढ़ गया, और यही मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंधाधुंध गोली बिना कारण चलाना, चला करके जिस तरह से आज घटना हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। जिला स्पीच में मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे अपराधियों के मनोबल को कुचलने के लिए तुरंत प्रयास होने चाहिए। जनता का राज देखिए क्या है, आप ये देख रहे हैं कि अपराधी किस तरह से उसके मनोबल बढ़े हुए हैं, कैसे सड़कों पर धनाधन गोलियां चला रहा है। जैसे आतंकवादी जा करके गोली चलाता है, उस तरह से गोली चला है, और उसमें लोग आज 5 लोग घायल हुए हैं, 1 लोग तो मर भी गए, बाकी लोग जो हैं वो उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। सर किस तरह से घटना घटी है और क्या मामला सामने निकल रहा है? आज हम लोग को सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में, चार विभिन्न थानों में कुछ स्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में दो अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है, और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे ज़िले में, उन्होंने नाकेबंदी कर दी है, और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है, और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है। तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है, सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है, और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट कराया जा रहा है। सर किस तरह का ये अपराधी पहचान हुआ है, कौन लोग थे, CCTV फुटेज? देखिए जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं, और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूँ। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं, और हमारे जो पड़ोस के ज़िले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे CCTV फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं, और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए, और हम लोग सभी जगहों पर इनकी रेड्स करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। जो भी लोग घायल थे उनका इलाज कराया जा रहा है। कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि उनको जहाँ गोली लगी थी उसमें इलाज होकर वो लोग घर भी चले गए हैं, और जिनका थोड़ा सा ज़्यादा है उनको भी हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अब हम लोग का पूरा ध्यान जो इस पर है कि ये 2 व्यक्ति उन्होंने ऐसी घटना क्यों की, और वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए हैं,
और कौन सी मोटरसाइकिल उन लोग ने प्रयोग की, अब उसका हम लोग पता लगा रहे हैं। हथियार किस तरह का था? देखिए, एक डॉक्टर से हमने बात की है तो उन्होंने पिस्टल या कट्टा, यही दो चीज़ें बोली हैं जो जनरली क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में पता चला है। सर, परिजनों के द्वारा NH-28 को जाम किया गया, क्या इन लोगों को क्या मांग है? इन लोगों की मांग यही है कि थोड़ा सा उनको मुआवजा दिया जाए, तो मैंने उनसे बात की है, हम लोग की पुलिस की टीम CEO BDO के थ्रू भी हम लोग बात कर रहे हैं और उसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। देखिए अभी हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं, बट संभवतः प्रथम दृष्टि हमको ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के लिए घटना की गई है, और किसने की है, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या था, इस बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और उनको पकड़ने के बाद ही हम बताएंगे। सोशल मीडिया पे लगातार कहा जा रहा है कि कई लोगों बोले, लेकिन अभी प्रथम दृष्टि में कितने लोगों की पुष्टि हुई है, क्या आपकी तरफ? देखिए, इसमें 10 लोगों की पुष्टि हुई है और 10 जिसमें से 9 को गोली लगी है, इनका इलाज हो गया है, कुछ लोग घर भी चले गए हैं। एक को गोली जो उसको पीठ पे लग गई थी उस कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, और ये जो जानकारी हमने बेगूसराय पुलिस का जो लोकल मीडिया ग्रुप है उस पे भी डाल दिया है और आप लोगों को भी शेयर कर दिया है, और बहुत जल्दी परिजनों को कुछ मिलने का।